नमस्कार। प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज पूरे देश में अपने राजस्थान की चर्चा है। पूरे देश के अंदर जो चर्चा किसी राज्य की है, उस राज्य का नाम है राजस्थान। कब और क्यों कहा मुख्यमंत्री ने, बताएंगे आपको। ये भी कि 42,000 किसानों के खाते में हस्तांतरित हुए 40,000 और प्रदेश का हवाई परिवहन अब भरेगा ऊंची उड़ान। नमस्कार, सुजस पर ताज़ा तरीन समाचारों के साथ मेधा और अरिंदम। एक बार फिर आज राजस्थान सरकार ने किसानों और पशुपालकों को ऐसी राहत दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। जयपुर में हुए राजस्थान किसान महोत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी से मृत दुधारू पशुओं के 41,900 पालकों के खाते में 175 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए। महोत्सव का शुभारंभ उन्होंने गोमाता के पूजन से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 40,000 रुपए प्रति पशु दो पशुओं तक मिलने से उन्हें बड़ा संबल मिलेगा। लंपी रोग में 40,000 रुपए किसी को उम्मीद नहीं थी। हमने टीकाकरण भी संकल्प ले रखा है, सब गायों का टीकाकरण कराएंगे, लगातार चल रहा है। पर लंपी रोग में जो गाय बच गई, अभी मैं आपके सामने एक बटन दबाऊंगा, आईटी का कमाल है ये। बाकी का भी खाता कंफर्म कर रहे हैं, खाते नंबर वगैरह, 11,000 बच जाएंगे, उसको अगले 7-8-10 दिन में उनको पैसा मिल जाएगा। आज मैं अभी आपके सामने 41,900 पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए बटन दबाते ही 3-4 मिनट उनके पैर पैसा पहुंच जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस किसान महोत्सव में किसानी और पशुपालन की विश्व स्तरीय तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। जाजम चौपाल में विशेषज्ञों से संवाद, गोष्ठी और कृषि स्टार्टअप के साथ फिल्म, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान महोत्सव देख लिया आपने, इतने लोग आए, 60,000 किसान आ रहे हैं, 60,000 किसान आएंगे 3 दिन के अंदर। फिर उदयपुर के अंदर आएंगे, फिर जोधपुर के अंदर आए, तो बड़े बड़े मेले लग रहे किसानों के, जहाँ जो आधुनिक तकनीकी है, यंत्र है, गोष्ठियां हैं, संगोष्ठी है, उनको पूरी तरह से एजुकेट करना है, उनको नवाचार से अवगत कराना है, इसराइल की तरह। इसराइल से हम कई मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। राजस्थान पहला राज्य है जहां अलग से गोपालन विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गोवंश को बड़ा संरक्षण मिला है। गौशालाओं के प्रबंधकों के साथ है, पहले राज्य राजस्थान बन गए जिसने गायों के लिए भी हम लोगों ने बनाया, निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने उसको विभाग बना दिया। हमने 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान के अंदर गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशाला को दे रहे हैं, 9 महीने का 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। नंदीशाला कोई बनाएगा कि पशु जो खेती का नुकसान कर देते हैं, कोई धनी धोनी होता नहीं उनका, कोई नंदीशाला बनाएगा तो 1,56,00,000 रुपए हम दे रहे हैं प्रति पंचायत, जो एनजीओ आएगा उनको। इस प्रकार के क्रांतिकारी फैसले सरकार ने किए हैं। राजस्थान आज दूध उत्पादन में देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राजस्थान का सरस ब्रांड पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा। हम चाहते हैं अमूल जो है लंबे अरसे से अपना ट्रेडमार्क चला रहा पूरे कंट्री के अंदर, एक दिन वो भी आएगा कि राजस्थान का सरस जो है वो भी हम लोग क्यों नहीं उनके मुकाबले आगे खड़े हो जाएं, ये हमारा सपना होना चाहिए। क्योंकि आज कृषि के अलावा पशुपालन भी रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। किसानों के साथ में सरकार पशुपालकों को भी पूरी तरह तवज्जो दे रही है, इसीलिए पहले हमने 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस दिया था, अब 5 रुपए कर दिया, 5 रुपए प्रति लीटर एक्स्ट्रा पैसा मिलना उनको उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसीलिए उत्पादन बढ़ता जा रहा है राजस्थान के अंदर, दूध के कलेक्शन के अंदर राजस्थान देश में नंबर 1 आ गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे पानी की बचत के साथ खेती करें, उन्हें फायदा ज्यादा होगा। विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी रिसर्च हो, रिसर्च हमारे यहाँ कम होती है, रिसर्च का सेक्टर बढ़ना चाहिए, रिसर्च होने के बाद में उसका लाभ गांव तक पहुंचना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर, ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। पर किसानों को भी अगर सरकार एडवाइज करती है डीप इरीगेशन का, बूंद बूंद खेती का, स्प्रिंकल का, फुहारा खेती का, उसका क्या लाभ है उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ड्रिप इरीगेशन में पानी कम खर्च हो गए उत्पादन ज्यादा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके पानी बचेगा। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने नवाचारों की चर्चा करते हुए कहा कि कृषि विभाग द्वारा हमने राज किसान साथी पोर्टल जारी किया, उसके माध्यम से जितनी कृषि विभाग की योजनाएं थी आदान के अनुदान की, उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा गांव में बैठा हुआ हमारा किसान भाई जिस भी स्कीम में वो फार्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन करके, पूरे राजस्थान में एक नवाचार किया और 23 कल्याणकारी योजनाएं उसके माध्यम से आज राजस्थान सरकार गांव में किसानों के माध्यम से उनको ताकत देने का काम कर रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि राजस्थान कृषि विकास के नए आयाम स्थापित करे।
राजस्थान में कृषि विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं, किसानों की आय बढ़ाई जाए, आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत कैसे की जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि कल्याण, कृषि उत्पादन और एक्सपोर्ट संबंधी जितनी गतिविधियां हैं को बढ़ावा देने के लिए कृषि में पहली बार 12 मिशन बनाए गए हैं, जिसके परिणाम अति उत्साहजनक रहे हैं। इन मिशनों के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाएं और उनकी क्रियान्विति किस तरह से प्रभावी तरीके से की जाए, इस पे पूरी तरह से सरकार कमिटेड है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से भी बातचीत की। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते आंटी देवी जी। राणा सर, निम्रा थाना। पैसा मिल गया तुम्हें? मिल गया। बताइए आपको। हाँ। अब क्या करोगे, गाय खरीदोगे वापस? धन्यवाद सुल्तान। नहीं, आप पैसे मिल गया, इस पैसे क्या करोगे आप? नहीं, गाय खरीदोगे या क्या करोगे? नहीं, गाय खरीद के पाएगा। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप कहना जगदीश जाट साहब को कहना मेरा नमस्कार कहना अपने पति को। अरब सागर से उठा बेपरजॉय तूफान अब राजस्थान में प्रवेश करने को ही है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में अत्यधिक भारी बारिश और बाड़मेर, जालौर में भारी वर्षा की संभावना है। कल उदयपुर, सिरोही और राजसमंद में बहुत भारी बारिश तो चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर और पाली में भारी बरसात की संभावना है। मुख्यमंत्री खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। उनके निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने तूफान के प्रभाव में आने वाले जिलों में महंगाई राहत कैंप स्थगित करने के निर्देश भी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। कल भरतपुर दौरे के दौरान सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार तो मुस्तैद है ही, लोग भी पूरा एहतियात बरतें। जो संबंधित लोग हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो रिपोर्ट हो चुके हैं, कोई घबराने की नहीं है। हाँ, जो वार्निंग को फॉलो करने का काम तो पब्लिक का है, अलर्ट करने का काम सरकार का है, जिला प्रशासन का, उसमें हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है इसी थर्ड लेवल पर। लोग समझ रहे हैं क्योंकि हमने जो पुलिस की गाड़ियों से जो माइक लगे हुए हैं उससे भी हम लोगों ने जनता को अलर्ट करने का काम शुरू। सुनिए जिलों का राउंड अप। बीकानेर, किशनगढ़ और श्रीगंगानगर हवाई अड्डों के लिए अच्छी खबर है। बीकानेर और किशनगढ़ को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय ने बिडिंग प्रोसेस में शामिल कर लिया है, लिहाजा जल्द ही यहां से नई उड़ानें शुरू होंगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में श्रीगंगानगर हवाई अड्डा भी शामिल किया गया था। अब यहां से भी कई विमानन कंपनियों ने उड़ान संचालन में रुचि दिखाई है। दिल्ली में राजस्थान सरकार के आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतों में कटौती हुई है, जिससे विमानन कंपनियां राजस्थान की तरफ आकर्षित हो रही हैं। जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के विस्तार और उन्नयन पर भी काम चल रहा है। कोचिंग विद्यार्थियों को तनाव और अवसाद से बचाने के लिए सीकर में काउंसलिंग शुरू हो गई है। जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति ने कोचिंग संस्थानों में ट्रेनिंग दी। काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान सुझाए। वित्तीय साक्षरता के लिए रिजर्व बैंक ने श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें सरकारी स्कूलों में 8वीं से 10वीं तक के ब्लॉक स्तरीय विजेता विद्यार्थी शामिल हुए। श्री करणपुर के एमजी स्कूल की टीम प्रथम, नेतेवाला स्कूल की द्वितीय और पदमपुरा स्कूल की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसमें से चुने गए विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और अब बात राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून से शुरू होने वाले इन खेलों के प्रति प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 53 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। खेल सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक्स के लिए 41,48,000 और शहरी खेलों के लिए 12,36,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ग्रामीण खेलों में सबसे ज्यादा करीब 12.5 लाख पंजीयन कबड्डी में, तो शहरी खेलों में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख पंजीयन टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए हुए हैं। प्रदेश भर में ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ी और टीमें उत्साह के साथ जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इन खेलों का समापन होगा। नमस्कार।